नमस्कार दोस्तों, सैटरडे नाइट डेट में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, ये पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 का सीक्वल है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, या फिर ऊपर आपके पास कार्ड्स में भी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, वहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया था कि किस तरीके से इल्यूमिनाटी के फाउंडर एडम को ही ग्रुप से बहिष्कृत कर दिया था और किस तरीके से इल्यूमिनाटी सोसाइटी लोगों के बीच में आ गई थी और इल्यूमिनाटी को टेम्परेरली शट डाउन करना पड़ा था। तो जी हाँ दोस्तों, 1800 में ये ग्रुप दोबारा से एक्टिव हुआ, लेकिन इस बार ये ग्रुप अपनी गलतियों से सबक लेकर बना था। इस बार ये ग्रुप फ्रीमेसन्स के ग्रुप में घुस बैठ करने लग गए थे। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, फ्रीमेसन्स भी एक काइंड ऑफ सीक्रेट ग्रुप है जो कि लोगों में अपनी आइडियोलॉजीज को मासिस की तरह पुश करते हैं और ये बहुत ही डेंजरस ग्रुप है। इल्यूमिनाटी के इलाइट्स मेंबर फ्रीमेसन्स को रिक्रूट करने लगे थे और यहाँ से इल्यूमिनाटी के सिंबल आए, एवर वॉचिंग आई, ट्रायंगल, पिरामिड एक्सेट्रा, क्योंकि ये सिंबल्स इल्यूमिनाटी के नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, ये सारे सिंबल्स इल्यूमिनाटी के ना होके ये सारे सिंबल्स फ्रीमेसन्स के होते थे। जी हाँ दोस्तों, फ्रीमेसन्स जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे जाने माने लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ था। तभी आप देख सकते हैं कि डॉलर के नोट पर आई और पिरामिड के सिंबल मिलते हैं, जिसका ये मतलब नहीं कि डॉलर पे इल्यूमिनाटी के सिंबल हैं, बल्कि ये मतलब है कि डॉलर के नोट पे फ्रीमेसन्स के सिंबल हैं और दोनों ही ग्रुप में बहुत ही फ़र्क था। जब इल्यूमिनाटी को इन्होंने कंट्रोल किया, तब इल्यूमिनाटी वॉज बैक इनटू पावर, तब इन्होंने अपने रिचुअल्स बनाए जिसमें कि ये भगवान को नहीं शैतान को मानते थे और शैतान की पूजा करा करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सब चर्च के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने ये सब मान लिया था कि अब ये शैतान को मानेंगे ना कि भगवान को। इस बार इल्यूमिनाटी सीक्रेटली काम कर रहा था, जिसके कारण इस बार लोगों को इस सोसाइटी की भनक तक नहीं थी और इल्यूमिनाटी वॉज बैक इनटू पावर। और इस बार कुछ लार्ज स्केल तक इल्यूमिनाटी वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करने लग गई थी। उन दिनों कंट्री के बीच स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और स्टॉक मार्केट का भी कॉन्सेप्ट लोगों के सामने आ गया था। आपको सुनकर शॉक लगेगा कि इल्यूमिनाटी के इलाइट मेंबर्स इन स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे और दो देशों के बीच लड़ाई के वक्त इन सब ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्योंकि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को बातें पहले ही पता लग जाया करती थी, तो जिसके कारण ये पहले से ही सट्टा लगाकर खेलते थे और इनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था। अब धीरे धीरे करके इन्होंने दूसरे देशों में अपने हथियार बनाकर सप्लाई करने चालू कर दिए थे और वॉर के वक्त इल्यूमिनाटी बहुत ही ज़्यादा कमा रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सब के टाइम इल्यूमिनाटी के इलाइट्स ने इतना पैसा कमाया कि कोई बात ही ना हो, और बस इनका एम अब दो देशों को लड़वाने पर होता था ताकि इनकी कमाई और ज़्यादा हो। 1960s में कई लोगों के नाम सामने आए, लेकिन इस ग्रुप तक पहुंचना इतना आसान नहीं था और इस ग्रुप के अगेंस्ट आने वाले जिंदा ही नहीं बचते थे बल्कि मार दिए जाते थे। लेकिन फिर क्या, धीरे धीरे करके इनकी सारी बातें सामने आने लगी। फिर मिड 1970s में 3 किताबें निकली, जैसे इल्यूमिनेटस ट्रायोलॉजी के नाम से थी। इन किताबों में इल्यूमिनाटी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिस्कस करा हुआ था और उन्हें किसी तरह के एलियंस में बताया गया था जो कि ह्यूमन पर कंट्रोल करने आए थे। इन सब किताबों के बाद लोगों को यह पता चलने लग गया था कि हाँ, कोई सीक्रेट सोसाइटी है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। फिर इन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि इन बुक्स को घिनौना बताया जाए, लेकिन फिर क्या था, लोगों का विश्वास, बिलीव इन बुक्स पर आ चुका था और लोग ये मानने लगे थे कि कुछ सीक्रेट सोसाइटी है। इल्यूमिनाटी का मेन मोटिव पैसा कमाना था। जैसा कि अब ज़माना टेक्नोलॉजी और फैशन का आ गया था, अब इल्यूमिनाटी के इलाइट्स वेपन के नहीं बल्कि कूल टेक गैजेट्स के इन्वेस्टर्स बन गए थे। चारों तरफ बड़े बड़े ब्रांड्स दिखने लग गए थे, एड्स और बैनर्स, जिसके इन्वेस्टर्स और कोई नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी के इलाइट्स मेंबर होते थे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मॉडर्न डे इल्यूमिनाटी अब की थिंग्स को कंट्रोल कर रही है और इल्यूमिनाटी के लेवल्स को बताऊंगा और किस तरीके से आप इल्यूमिनाटी को ज्वाइन भी कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि इल्यूमिनाटी के आगे आने वाले पार्ट्स आप ज़रूर देख पाएँ। धन्यवाद।